हे गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए नमक वेब सीरीज का एपिसोड 3 भी लेकर आ गया हूँ। अब आगे यहाँ सपना अपने दोस्त से बात कर रही थी जो अपने दूसरे हनीमून पे जा रही थी। तभी अमित आता है तो ये पूछती हम भी चले क्या। अमित बोलता है फालतू के खर्चे के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। और सपना का मुंह एक बार फिर से उतर जाता है। अब बाहर सपना देखती है कि उनके बगल वाले शर्मा अंकल के घर फुल अच्छी खासी लाइटिंग हुई थी, जबकि शर्मा आंटी की 3 दिन पहले ही डेथ हो गई थी। तो ये उनके घर पहुंच जाती है और इन्हें पता चलता है कि आज तो शर्मा जी की पत्नी रूपमती का बर्थडे था। शर्मा जी बोलते हैं जब से हमारी रूपमती गई है हम सो ही नहीं पा रहे हैं। सपना बोलती है मैं समझ सकती हूँ शर्मा जी, आप अपने दिल की बात मुझे कह सकते हैं। अब शर्मा जी बोलते हैं मैं एक चीज मांग सकता हूँ क्या तुमसे सपना, क्या तुम ये साड़ी पहन के मेरे सामने आ सकती हो क्या। रूपमती अपने बर्थडे वाले दिन यही साड़ी पहनती थी, कम से कम मैं अपनी रूपमती को तुम में ही देख लूंगा। तो सपना मान जाती है और साड़ी लेकर अंदर चली जाती है और उसे पहनने लगती है। लेकिन शर्मा जी बाहर से उसे चेंज करते हुए होल से देखकर मजे ले रहे थे। अब ये रूपमती की फोटो को देखकर बोलता है अगर मैंने इस पल का फायदा नहीं उठाया तो मैं तो सी कहलाऊंगा। अब सपना बाहर आती है उस पिंक साड़ी में एकदम बवाल बनके। शर्मा जी बोलते हैं तुम तो इसमें पूरी रूपमती लग रही हो। अब शर्मा जी सपना को अंदर लेके जाते हैं और बोलते हैं मैं अपने हाथों से तुम्हारा श्रृंगार करूंगा एकदम रूपमती जैसा। शर्मा जी उसे पायल हार वार सब अपने हाथों से पहनाते हैं। सपना बोलती है मैं चलती हूँ शर्मा जी, बहुत टाइम हो गया। लेकिन अचानक से शर्मा इसे किस कर देता है। सपना भी सामने से चालू हो जाती है। बिना किसी रोक टोक के शर्मा इसके साथ सब करने लगता है और चुम्मा चाटी करने के बाद सपना सामने से उसके कपड़े उतारती हैं और शर्मा जी के साथ शुरू हो जाती है। और दोनों गपा गप लगे हुए थे लेकिन ये सब तो बस शर्मा जी का इमेजिनेशन था, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। जिसे देखकर सपना बोलती है ये क्या कर रहे हैं शर्मा जी। तो शर्मा जी बोलते सॉरी। फिर सपना बोलती है मुझे मालूम है आप रूपमती जी को बहुत याद कर रहे हैं, रोइए मत मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। शर्मा जी बोलते हैं पानी नहीं, रूपमती मेरे लिए शीरा बनाती थी आज के दिन। तो अब सपना वो भी इसके लिए बनाती है। फिर ये बोलता है ये केक भी तुम काट दो ना। सपना केक भी काटती है, फिर शर्मा पैक भी बनाता है। ये बोलती है शर्मा जी मैं ये सब नहीं पीती। फिर ये रोंदू शक्ल बना के बोलता है प्लीज़ रूपमती के लिए ही पी लो थोड़ा। तो सपना दारू का ग्लास एक घूंट में ही खाली कर देती है और सपना को थोड़ा चढ़ जाता है। अब शर्मा उसे सीरा खिलाता है, फिर बोलता है तुम्हें मालूम रूपमती मुझे कैसी खिलाती थी। अब शर्मा किस करके उसके मुंह से सीरा खा लेता है। अब सपना उठ के जाने लगती है कि शर्मा जी पकड़ लेते हैं और ज़बरदस्ती करने लगते हैं। सपना कितना छुड़वाने की कोशिश करती है लेकिन शर्मा रुकता ही नहीं। कुछ देर में सपना को भी चढ़ जाती है और अब वो सामने से ही किस विस करने लगती है और शर्मा जी को पूरे मजे देती है और सामने से उनके कपड़े उतारने लगती है। एक बार के लिए सपना उसे बहुत मना कर रही थी लेकिन जैसे ही उन्हें भी मजा आने लगता है वो उसके लिए राजी हो जाती हैं। सपना भाभी अपने पूरे कपड़े और उसके भी कपड़े उतारती हैं और कभी सोफे पे तो कभी टेबल पे शर्मा जी उसके साथ शुरू होते हैं। सपना बस बोलती रहती है और तेज और तेज, और शर्मा जी उसके साथ बहुत देर तक तेज तेज करके उसको चरम सुख देते हैं और अपनी हवस तो बुझाते ही हैं लेकिन साथ साथ उन्होंने सपना की भी पूरी भूख मिटा दी थी। तो चलिए यही वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।